हम सब प्रकृति की गोद में घूमने फिरने और बरसात के मौसम में प्रकृति की हरियाली में अपना मन भिगोने के लिए बेचैन रहते हैं। इस बरसात के मौसम में बूंदाबांदी और भीगी मिट्टी की खुशबू सांसों में समेटते हुए हम ऐतिहासिक धरोहरों के धनी बरड़ा पहाड़ियों की ओर चल दिए। नवलखा मंदिर भाणवड़ तालुका के गुमली गांव में स्थित है। यह गुमली एक दिन भूमली के नाम से भी जाना जाता था। भाणवड़ से 6 किलोमीटर की दूरी पर बरड़ा की तलहटी में एक पुरातन स्थल है। नवलखा मंदिर सौराष्ट्र के 11वीं और 12वीं सदी के मंदिरों में से एक है, जो अपनी समृद्ध और अद्भुत वास्तुकला के कारण अद्वितीय है। जेठवा शासकों की राजधानी कुमले की स्थापना 7वीं शताब्दी में जेठवा साल कुमार ने की थी। मंदिर की सीढ़ियों के पास आलिशान कीर्ति तोरण था, वो अब नष्ट हो गया है। यह मंदिर 150 फीट के फाउंडेशन पर बना है। मंदिर के तीनों दिशाओं में श्रृंगार चौकियां और मंदिर के बीच में अष्टकोणीय खंभे हैं। कुमली जेठवा राजवंश के राजपूतों की राजधानी थी। जेठवा राजवंश के 7 शासकों ने यहां शासन किया था। भाणवड़ तालुका का नाम जेठवा शासक भाण जेठवा के नाम पर से रखा गया है। नवलखा मंदिर गुजरात का सबसे पुराना सूर्य मंदिर माना जाता है। कुमली के नवलखा मंदिर को 11वीं सदी के दौरान जेठवा शासकों ने 9 लाख रुपए की लागत से बनवाया था, ताकि इस महल का नाम फिर से लिखा जाए। इस महल में कलाकृति का अद्भुत निर्माण किया गया है। गुजरात के मंदिरों में सबसे बड़ा स्थान रखने वाला यह मंदिर शानदार था। बरसों के बाद यह मंदिर अभी भी खड़ा है, हालांकि इसके रखरखाव की जिम्मेदार सिस्टम विकसित ही नहीं हुई है। यदि इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाता है तो यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए जाना माना रहेगा। नवलखा मंदिर की ऐतिहासिक विरासत का एक शानदार इतिहास है। जेठवा शासकों के दौरान मंदिरों में सबसे धनी और सबसे बड़ी बेहतरीन कलाकृति इस कुमली का नवलखा मंदिर ही था। सोमनाथ मंदिर से 500 साल पुराना मंदिर और मोढेरा सूर्य मंदिर की वास्तुकला इस मंदिर में मौजूद है। नवलखा मंदिर के पास गणेश मंदिर है, उन्हें 10वीं सदी में बनाया गया है। उन्हें गुमली गणेश के रूप में जाना जाता है और यहाँ के स्थानीय लोग इसकी रोज पूजा करते हैं। हाल में कोरोना महामारी की वजह से सभी मंदिरों बंद है। गुमली के बीच में पहाड़ी पर आशापुरा माँ का मंदिर है। इस मंदिर को बारमानिया जी जाडेजा ने बनवाया था। यह मंदिर सोलंकी वंश के दौरान बनाया गया है।
इस मंदिर की बेहतरीन कलाकृति को देखकर ऐसा लगता है यह एक समृद्ध शहर होगा। इस मंदिर में दक्षिण दिशा में ब्रह्मा सावित्री, पश्चिम में शिव पार्वती और उत्तर में लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हैं। नवलखा मंदिर की चारों ओर बरड़ा की पहाड़ियाँ और बरसात के मौसम के कारण चारों ओर फैली हुई हरियाली आंखों को सुकून देती है। यहाँ 1.5 किलोमीटर के विस्तार में बिखरे पड़े अलग अलग अवशेषों से यह मंदिर 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बनाया गया होगा। मंदिर की बाहरी दीवार पर खिड़कियों के नीचे सुंड पे सुंड परोए हुए हाथियों के 3 जोड़े कलाकृति के बेहतरीन प्रतिबिंब हैं। इस मंदिरों की दीवारों पर कमल, घंटियों, हाथियों और मानव आकृतियों से सजाया गया है। इस महल की 9 मंजिलों के कारण नवलखा महल कहा जाता था, लेकिन युद्ध के दौरान इसकी कई मंजिलें ढह गई और कुछ मंजिलें भूकंप की वजह से गिर गई थी। यह महल बहुत जर्जर हालत में था। इस खंडहर के कुछ अवशेष राजकोट संग्रहालय में रखा गया है। वर्तमान में इस महल की केवल 2 ही मंजिलें बची, वो आप देख सकते हैं। सोलंकी युग की वास्तुकला का महत्वपूर्ण मंदिर 12वीं शताब्दी का माना जाता है। इस समृद्ध घुमली शहर का नाश सन 1313 में हुआ था। कई नगर, कई शहर नष्ट हो गए, फिर से पुनर्जीवित हो गई, लेकिन यह घुमली फिर कभी नहीं बसा। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट से ली गई है, इसमें कोई क्षति हो तो क्षमा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।